बड़े बड़े बालों को बनाना ना बहुत मुश्किल है, देखिए बहुत गंदा फंसता है। सो फाइनली अब 3 हफ्ते बाद जाके मेरे घर में शांति का माहौल बना। वो क्यों? क्योंकि 3 हफ्ते बाद अब मेरे घर का आवाज़ वाला काम पूरा हो गया। अब जो छोटे पुटके काम बचे उसमें आवाज़ तो नहीं आएगी। एनी चॉइस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्यूशन। वी आर पैकिंग अप विद अनदर वीडियो। और आपको मेरी ये हालत इसलिए दिख रही है बिकॉज मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमें एक मेहनत वाला काम करना है। यस, हुआ ये कि कल शाम को मैं अपनी बाइक लेके निकला था तो मेरी बाइक का क्लच प्लेट खराब हो गया, पता नहीं खराब हुआ टूट गया, और एक्सेलरेटर वायर टूट गया। अभी मुझे बाइक को प्रॉपर धक्का मार के लेके जाना है सर्वेश भाई के पास। सर्विस सेंटर ही दूंगा, यहाँ पे एक हैं सर्वेश भाई जो बहुत ही अच्छा बाइक बना के देते हैं, तो उनके पास जाओ, उनको बाइक दूंगा, वो बना के मुझे देंगे। चलिए चलते धक्का मारने, किस्मत धक्का, चलो। तो हमारी प्रॉब्लम जो हम ऊपर आपको बता रहे थे वो ये है, देखिए हमारा जो ये एक्सेलरेटर वायर है, क्या हो गया भाई, फोकस क्यों नहीं? ये जो एक्सेलरेटर वायर है ये टूट चुका है पूरी तरह से, तो हमें ये बनवाने जाना है। और अब तो गाड़ी चल भी नहीं सकती इसलिए धक्का दिया। सो हम गाड़ी को धक्का देके पहुंचा देते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। इसका सर्विसिंग वर्विसिंग भी करा देंगे, काम तो बहुत सारे पेंडिंग है, वो करा दो, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में दूसरे काम के लिए। ओके दोस्तों, सो दिस इज अनदर डे। कल हम बाइक दे के आ गए थे और आज पूरा दिन मैं सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। डिज्नी की जो नई सोल मूवी आई है वो देखा, कोको मूवी देखा, और फिर क्रिकेट चालू करके बैठ गया, बस और कुछ नहीं किया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, सर्वेश का फ़ोन आया तो जाके अपनी बाइक लेके आता हूँ, फिलहाल बाल बना लूँ। नहाने के बाद ना बड़े बड़े बालों को बनाना ना बहुत मुश्किल है, देखिए बहुत गंदा फंसता है। आज कंडीशनर नहीं किया क्योंकि कंडीशनर ख़त्म हो गया, तो जाके लेके आता हूँ। फिलहाल तो तेल लगा लेते हैं, बाल सेट कर लेता हूँ, जाके बाइक लेके आता हूँ। और भी छोटे मोटे काम है, घड़ी के बैंड चेंज कराने, बैटरी लगानी है, पर पता नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, बहुत आलस वाला दिन है आज। फिलहाल के लिए ये कर लेते हैं और बाइक लेके आते हैं। यस, सो अभी हम बाल में तेल लगा के फटफट रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारी बाइक है जो बन चुकी है, एक्सेलरेटर भी नया लग गया, क्लच प्लेट भी नया लग गया, ऑयलिंग भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। खाली एक ये नहीं बन पाया है, फ्यूल इंडिकेटर इसका हमेशा ज़ीरो ही दिखता है कुछ भी कर लो। ये सर्वेश के पास नहीं था तो हमें कहीं और से जाके लाना पड़ेगा। फिलहाल तो एक टेस्ट कर लेता हूँ इसका, बाकी देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, मिलता हूँ आपसे, चलो बाय। कंप्रेसर, हाँ ठीक है। सो फाइनली, हाँ फाइनली गाइज, अभी क्या हुआ है कि जो हमारा घड़ी बनाने का आज का प्लान था वो तो हमें कैंसिल करना पड़ रहा है, बिकॉज मम्मी को लेके कहीं पे आया हूँ और उम्मीद भी नहीं है कि जल्दी काम हो पाएगा और मैं जाके घड़ी का काम कर पाऊँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। बट ख़त्म करने के पहले बाइक को बनाने का खर्चा कितना हुआ है? बाइक को रिपेयर करने का खर्चा 2710 रुपीज़ हुआ, जिसमें वो लोग ने क्लच प्लेट चेंज किया बिकॉज क्लच प्लेट टूट गया था, तो 1600 का क्लच प्लेट आया। एक्सेलरेटर केबल टूट गया था तो नया एक्सेलरेटर केबल डाला गया है। उसके बाद सर्विसिंग हुई है, ऑयल चेंज हुआ है, ब्रेक ऑयल टॉपअप हुआ है, फिल्टर क्लीनिंग हुआ है, गाड़ी पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग हुई है, तो ये सब मिला के 2700 हुआ है, विच इज़ डिसेंट वैल्यू। पिछले एक साल में सर्विसिंग हुआ नहीं था, गाड़ी खड़ी थी तो ये तो होना ही था। एसी क्यों फास्ट कर रहे हैं? ऊपर ब्लॉक खत्म कर दे। हाँ।
ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। घड़ी का काम और गाड़ी का जो काम है वो हम बाद में कर देंगे, फिलहाल के लिए तो यू नो द ड्रिल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ आपको किसी अच्छे से ब्लॉग में जल्दी।